लोड बैलेंसिंग के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं जो जिनकी बुनियाद पे लोड बैलेंसिंग होती है। तो वो क्या मेथड है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें एक जो मेथड है वो राउंड रॉबिन है। राउंड रॉबिन जो है वेल नोन एक एल्गोरिदम है जिसके जरिए हम पूल ऑफ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। दिस लोड बैलेंसिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स अ पूल ऑफ सर्वर्स। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं? सर्वर्स हैं, और जिनको आइडेंटिकली कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि वो सेम सर्विस प्रोवाइड करें, लाइक वेब होस्टिंग की, ईमेल सर्वर्स या डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके ऊपर हमने पहले से अप्लाई की गई है। हर जो सर्वर है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस है, लेकिन सारे जो सर्वर्स हैं वो सेम डोमेन नेम के ऊपर लिंक्ड है, और जो भी रिक्वेस्ट आती हैं वो लिंक्ड होती हैं। इसकी डायग्राम हम देखते हैं तो ये सर्वर वन से लेके सर्वर एन तक जो है डिफरेंट अवेलेबल सर्वर्स हैं, दे आर आइडेंटिकली कॉन्फ़िगर्ड, और क्लाइंट और सर्वर्स के दरमियान में लोड बैलेंसर है, और इसके ऊपर राउंड रॉबन मेथड जो है वो अप्लाई किया गया। तो जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये राउंड रॉबन फैशन में कोई सर्वर इसको अलॉट कर देता है, लाइक सर्वर वन है तो उसको HTTP रिक्वेस्ट नंबर वन अलॉट हो गई, सर्वर टू है उसको रिक्वेस्ट नंबर टू अलॉट हो गई, और सर्वर थ्री है उसको रिक्वेस्ट नंबर थ्री अलॉट हो गई, एंड अप टू सो ऑन। और जितने भी सर्वर्स हैं उन सबको इसी तरह ये रिक्वेस्ट अलॉट करता रहेगा, और जब ये नंबर ऑफ सर्वर्स जो हैं वो सारे के सारे असाइंड हो जाएंगे तो अगेन ये मेथड रिपीट होगा फ्रॉम सर्वर वन टू सर्वर एन। तो इसको कहते हैं राउंड रॉबिन मेथड लोड बैलेंसिंग के लिए, जिसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है और कोई और मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि एक पूल है रिसोर्सेज का, उसको शेयर किया जाता है। दूसरा है वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन बिल्ड्स ऑन द सिंपल राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग मेथड। इन द वेटेड वर्जन ईच सर्वर इन द पूल इज गिवन अ स्टैटिक न्यूमेरिकल वेटिंग। तो जो जिन सर्वर्स का एक न्यूमेरिकल वेट दे दिया जाता है, लाइक सर्वर वन है उसको हम कंसीडर करते हैं जिस हाईएस्ट वेट है, और सर्वर टू जो है वो उससे कम है उसका वेट, सर्वर थ्री है उसका उससे कम वेट है, तो इस वेट की बुनियाद पे जो ज्यादा रिक्वेस्ट हैं वो हायर वेट वाले सर्वर्स को दी जाती हैं, लाइक मे बी दे हैव मोर रिसोर्सेज, मोर एंड बेटर एफिशिएंट सर्वर्स देन अदर्स। तो ऐसा सर्वर जिसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं उनको टॉप रेटिंग दी जाती है, फिर उसके बाद नंबर टू, नंबर थ्री, और इसी बेस के ऊपर रिक्वेस्ट की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जिस सर्वर की टॉप रेटिंग होगी उसको ज्यादा रिक्वेस्ट असाइन होंगे। नेक्स्ट मेथड जो है लोड बैलेंसिंग के लिए है वो लीस्ट कनेक्शन है। तो इसमें जो राउंड रॉबिन या वेटेड राउंड रॉबिन है, इन दोनों मेथड्स में जो सर्वर का करंट लोड है उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि अभी जो सर्वर नंबर वन है उस पे कितनी जॉब्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो जो लीस्ट कनेक्शन मेथड है वो करंट सर्वर लोड को भी कंसीडर करता है कि अभी इस सर्वर के ऊपर कितनी जॉब चल रही हैं। तो ऐसा सर्वर जिसके ऊपर सबसे कम जॉब्स एग्जीक्यूट हों या सबसे लेस एक्टिव सेशंस हों उसको जॉब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है सोर्स आईपी हैश। ये एक एल्गोरिथम है जो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस को कंबाइन करता है और एक यूनिक हैश की को जनरेट करता है, और ये जो की है वो यूज होती है किसी क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर सर्वर पे असाइन करने के लिए। अब ये जो की है इसको रीजनरेट किया जा सकता है कि अगर सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है,
और ताकि जो क्लाइंट है वो दोबारा उसी सेम सर्वर के ऊपर असाइन हो जिस पे ये पहले से असाइन था। तो ऐसे जो क्लाइंट हैं जो दोबारा उसी सर्वर के ऊपर कनेक्ट होना चाहिए चाहते हैं, तो वहां पे ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। फॉर एग्जांपल जो शॉपिंग कार्ड्स हैं तो वहां पे जो सेशन अगर टर्मिनेट होता है एक्सपायर होता है तो दोबारा यूजर चाहेगा कि उसी सर्वर के ऊपर कनेक्ट हो, तो वहां पे ये सोर्स आईपी हैश का मेथड यूज हो सकता है। इसके अलावा एक है ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग GSLB। तो जो GSLB है ये DNS रिक्वेस्ट को बैलेंस करता है ना कि ट्रैफिक को। ये जो एल्गोरिदम्स हैं लाइक राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन या फिक्स्ड वेटिंग, रियल सर्वर लोड, लोकेशन बेस्ड, प्रॉक्सिमिटी और इसके अलावा जितने भी अवेलेबल टेक्निक्स हैं उनको यूज करता है। और इसकी वजह से जो मल्टीपल डेटा सेंटर्स के लिए हायर अवेलेबिलिटी होती है। इसमें अगर प्राइमरी साइट डाउन होती है तो फिर ट्रैफिक को डिजास्टर रिकवरी साइट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो जो क्लाइंट है वो सबसे जो बेस्ट जो डेटा सेंटर्स होते हैं जो उनके क्लोजेस्ट होते हैं उनके साथ ये उसको कनेक्ट करता है। और इसमें जो एप्लीकेशन हेल्थ चेकिंग होती है जिसके जरिए जो अनअवेलेबल सर्विसेज हैं या डेटा सेंटर्स जो विजिबल नहीं है उनको मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जिनको हम यूज कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए।